बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप अल्लाह के फजल करम से ठीक और खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, हमारी दुआ है जो हमारे चाहने वाले हैं जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अल्लाह ताला उनके जो दुख हैं वो दूर करे, तो जो उनके जो परेशानियाँ हैं वो भी दूर करे, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफा दे। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो बड़ी दिलचस्प वीडियो बनने वाली है, तो आपने मुकम्मल हमारी वीडियो वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो यूँ है कि हमने ये ली थी शेविंग मशीन, ये हमारी शेविंग मशीन है, तो हमने इसको 1000 की ली थी। तो व्यूअर्स, ये मशीन ऐसे थी ऐसे, तो अब ये जो है ना अपना टूट चुकी है, तो ये नीचे गिरने से ये वाला जो नक्का है इसका ये टूट चुका है। तो अब हम जैसे इसको लगाते हैं, जैसे लगाते हैं ये नीचे ये बह निकल आती है, जो इसके जो कंघे हैं ये बह निकल आते हैं। तो अब हम इसको बनाएंगे, तो हम अब हम तजर्बा करेंगे, शायद ये बन जाए। तो दिखाते हैं हमें इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये बात, हमने एक प्लास लिया है, ये पेचकश चार मुंह वाला, एक नोक स्टिक ली है, तो ये वायरिंग केबल है, ये वायरिंग केबल जो है ना अपना जो बिजली की वायरिंग केबल होती है वो 329, ये केबल का टुकड़ा थोड़ा सामने लिया है। तो जब हम न्यू मशीन लेके आए थे तो इसके साथ कौन कौन सा सामान था वो अभी हम आपको दिखाते हैं। इसके साथ जो हमें सामान मिला था, ये देखें ये डब्बा है, तो इसके साथ हमें जो है ना ये कंघे मिले थे, इसके साथ हमें ये जो ये थोड़ी सी जो अपना गारंटी कार्ड होता है या कापी होती है ये हमें मिली है। तो ये कार्ड ये दिखाते हैं आपको, ये लिखा हुआ है टाइटेनियम अलॉय ब्लेड, ऑफ ऑन बटन, बैटरी, पावर कोड, ऑयल बोतल, हेयर ब्रश, एक्सलरी कॉम्ब। हम इसको अब बनाते हैं, हम आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं हम मशीन। तो हम तजर्बा कर रहे हैं, तो हमारी वीडियो आपने एंड तक देखनी है, हमारी वीडियो को मिस नहीं करना, तो मुकम्मल वाच करना है आपने। सबसे पहले हम कंघे को खोल देंगे, इसको खोल लेंगे पहले, ये पेचकश की मदद से हमने इसको खोल लिया है। ये देखें अंदर कचरा देखें, ये हम जब से हमने ली है इसको दूसरी बार साफ कर रहे हैं। अभी हम इसको अच्छी तरह साफ कर लेंगे ब्रश की मदद से। ये देखें, तो अभी हमने इसको ब्रश की मदद से इसको साफ़ कर लिया, जो इसके अंदर जो बाल थे वो हमने निकाल लिए हैं, अब हम इसको फिट कर लेंगे। अभी दोबारा ये वाला पेच दूसरा पेच लगा लेंगे, अच्छी तरह टाइट कर लेंगे इसको, तो ये इसकी फिटिंग होगी अच्छी तरह। अभी हम इसके जो है ना सुराख कर लेंगे, एक सुराख इधर से करेंगे और एक इधर से इसकी मदद से। इसकी मदद से हमने इधर सुराख कर लिए हैं, ये देखें एक सुराख इधर एक इधर, ठीक है। अब हम इसमें से तार निकाल लेंगे, इधर से ये जो तार है इधर से गुजार लेंगे, ये देखें ये तार इधर से गुजार लिए, एक तार
ये देखें, ये दो तार इधर से गुजार लिए, तो ये जो सुराख है एक तार इधर से गुजार लेंगे, तो एक तार इधर से, तो अभी हम इसको टाइट कर लेंगे। ठीक है, अब इस साइड पे अच्छी तरह इसको टाइट करना है, अच्छी तरह जो बकाया तार है उसको काट लेंगे। जैसे तो व्यूअर हमने मशीन बना ली है, तो व्यूअर अब हमारी जो ये शेविंग मशीन है ये बन चुकी है। अब ये शेविंग बनाने के काम अब काबिल हो चुकी है, तो हम अब इससे शेविंग बनाएंगे। तो हमारा जो न्यू मशीन जो रहने का इरादा था वो हमारा अभी फिलहाल कैंसिल हो गया है। तो हमारी जो ये वाली जो पुराने वाली मशीन है ये बन चुकी है, तो दिखा देते हैं आपको। ये हमारी मशीन चल रही है, बिल्कुल बे आवाज़ मशीन है। तो मैकेनिक ने तो हमें जवाब दिया था, तो हमने अपने तजर्बे से इसको खुद बनाया है, तो हमारा तजर्बा जो है वो कामयाब हो चुका है। तो व्यूअर अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो साथ वाले बटन जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो देख सकें। तो जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे दिलचस्प वीडियो देखने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।